हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। इस चैनल पर हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर। तो ये जो एमसीक्यूज होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम एमसीक्यू के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स जो होती हैं, स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है। तो हमने ये हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे, मैंने इसके दो पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से, ठीक है। इसके 42 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए थे, अब नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है, माला एंड कंटेन, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें ये है नॉर इथि ये क्या है, नॉर इथिस्टिरोन एसिटेट प्लस और इथिनाइल एस्ट्राडायोल, ठीक है। ये एस्ट्राडायोल है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये जो होती हैं इसमें जो ऑप्शन सी इसका राइट है, ठीक है। इसमें दोनों होते हैं, नॉर इथिस्टिरोन एसिटेट प्लस इथिनाइल एस्ट्राडायोल होता है, तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो होती है कंबाइंड पिल जो होती है ना उसमें आती है, ये माला एन जो है, माला एन, माला डी, ये सब कंबाइंड पिल्स में आती है, ठीक है। और एक होता है मिनी पिल, मिनी पिल्स जो मिनी पिल होती है उसका क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। इसमें मिनी पिल में क्या होता है, इसमें ना सिर्फ प्रोजेस्टिरोन प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार आया भी था, डीसीओ में आया था शायद एक बार ये क्वेश्चन, कि मिनी पिल कंटेन ओनली प्रोजेस्टिरोन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट कोज, इसका ऑप्शन है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इम्बैलेंस जो होता है ऑक्सीजन सप्लाई का, तो वो किस में होता है, एंजिना पेक्टोरिस में होता है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, ये सारे डिजीज। तो ये टाइफॉइड है, हिपेटाइटिस, अमीबियासिस, राउंड वर्म। तो जो बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती है, तो इसमें से टाइफॉइड जो है बैक्टीरियल डिजीज़ में आती है, और टाइफॉइड जो है वाटर बोर्न डिजीज़ में भी आती है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, और इस वाटर बोर्न डिजीज़ में भी आती है टाइफॉइड। वाटर बोर्न डिजीज़ में एक तो कोलेरा आती है, एक टाइफॉइड है, डिजेंट्री, डायरिया, ये सब क्या होती है, वाटर बोर्न डिजीज़ होती है, और बैक्टीरियल डिजीज़ में टाइफॉइड ये आ जाएगी टाइफॉइड, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है वायरल डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है राउंड वर्म जो है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमने किया था, इसका क्या होता है, राउंड वर्म एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होता है। नेक्स्ट है ये पैरासिटिक डिजीज़ होती है। नेक्स्ट सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम है, गोनोकोकाई, डुक्रेबेसिलस, एचआईवी, शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्या होता है, स्पायरोचीट होता है, इसमें स्पायरल फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिफिलिस जो होती है एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है, सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स, इसमें तीन आती हैं ये। नेक्स्ट है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन इज, ठीक है। जो पोलियो वैक्सीन होती है एक तो लाइव होती है और एक किल्ड होती है, तो इनके नाम पता होना चाहिए कौन सी लाइव है कौन सी किल्ड है। तो लाइव को बोलते हैं सेबिन और किल्ड को बोलते हैं साल्क, SALK, से किल्ड को रिलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन साल्क है, सेबिन है, पॉलीवेलेंट, नन ऑफ दीज। तो लाइव कौन सी होती है, सेबिन जो होती है उसको लाइव पोलियो वैक्सीन होती है, और जो किल्ड होती है वो कौन सी होती है, SALK, साल्क होती है, साल्क किल्ड है, और जो पोलियो होती है ये पॉलीवेलेंट वैक्सीन के अंडर आती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेबिन। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन एड्स, एड्स में कौन सी ड्रग इसमें से है देते हैं, जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, एमेंटाडीन है, टेट्रासाइक्लिन है, एजिडो, ये आएगा एजिडोथाइमिडीन लिखा हुआ है, ठीक है, एलिडोनी एजिडोथाइमिडीन है ये। तो इसमें से कौन सी है, ये ऑप्शन डी राइट है, जो एजिडोथाइमिडीन है इसको क्या बोलते हैं, जिडोविडीन, ठीक है, जिडोविडिन को ही बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। तो ये जो होती है एंटीवायरल ड्रग होती है, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, एक बार एक पेपर में डिस्कस भी किया था हमने, क्या होता है इसका, न्यूट्रोपीनिया होता है इसका साइड इफेक्ट,
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसको किस में, एड्स की ट्रीटमेंट में देते हैं, और जो मदर से फीटस में जो HIV का जो ट्रांसमिशन होता है उसको प्रिवेंशन के लिए भी ये ड्रग देते हैं, याद रखना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट है अब नॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल एंड टिश्यू, सभी को पता ही है अब नॉर्मल और रैपिड ग्रोथ, इसे क्या बोलते हैं, कैंसर, एड्स, पोलियो, नन ऑफ द अबोव, तो इसे क्या बोलते हैं, ये होता है कैंसर होता है, इसमें क्या होता है अब नॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू होता है, किसमें, कैंसर में। कैंसर किस में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में पढ़ा था ना हमने, कैंसर आती है इसमें, ब्लाइंडनेस आती है, और जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सब क्या आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। नेक्स्ट है ATS इज गिवन टू ट्रीट प्लेग, डिप्थीरिया, टिटैनस, नन ऑफ द अबव, तो ATS जो किस में देते हैं, टिटैनस की ट्रीटमेंट में देते हैं, जो टिटैनस जो होता है ये किस में आता है, ये सरफेस इन्फेक्शन में आता है, टिटैनस जो होता है ना ये सरफेस इन्फेक्शन जो होते हैं ना उसमें आता है, उसमें मैंने आपको बताया था आपको टर्टल याद करना है, TRTL, टिटैनस आता है उसमें, रेबीज आता है, ट्रैकोमा आता है, लेप्रोसी आता है, किस में, सरफेस इन्फेक्शन में, कैसे, टर्टल, हमें सिर्फ टर्टल याद करना है, इसे हम सरफेस इन्फेक्शन जो जो है वो याद कर सकते हैं। तो इसमें जो टिटैनस होता है इसमें क्या देते हैं, ATS देते हैं, तो इसमें जो ये टिटैनस होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, टिटैनस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ये तो इतना तो याद नहीं करना, बस इसका एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है, जो टिटैनस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन द विटामिन विच इज़ नॉट फैट सोल्यूबल इन द फॉलोइंग, मतलब कौन सा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा वाटर सोल्यूबल हो या कौन सा फैट सोल्यूबल है, ठीक है, बी और सी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाकी के ए डी ई के ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, तो इनको याद रखना है। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या होगा, नॉट फैट सोल्यूबल, ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, विटामिन सी है, ये फैट सोल्यूबल नहीं है, मतलब क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, ठीक है, और ये कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, एक बार क्वेश्चन आया था कौन सा विटामिन होता है जो कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो विटामिन सी होता है, आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म कराता है, मतलब उसमें भी इसका यूज़ होता है, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में, आयरन के अब्जॉर्प्शन में, और एक होता है ये इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, इसके यूजेस जो हैं ये भी कोलाजन की सिंथेसिस वाला ये इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तो विटामिन्स पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप लोग वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय, जो माल न्यूट्रिशन होता है मेनली कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, मेनली किसकी वजह से होता है माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, मलेरियल पैरासाइट इज़ ट्रांसमिटेड बाय, तो जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो किसे ट्रांसमिट होता है, तो जो मलेरिया होती है ना किस में आती है, जो डिजीज़ जो ट्रांसमिट होती है मॉस्किटो से, ठीक है, डिजीज़ कैरीड बाय मॉस्किटो, मतलब जो डिजीज़ मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है उसमें आती है मलेरिया, ठीक है, जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है उसमें डिजीज़ कौन कौन सी आती है, तो मलेरिया आती है, ठीक है, और एक कौन सी आती है, फिलेरिया आती है, और एक होती है येलो फीवर, ठीक है, ये जो तीन डिजीज़ है मलेरिया, फिलेरिया और येलो फीवर, ये किसे ट्रांसमिट होता है, मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, इन तीनों को याद रखना है। तो जो मलेरिया पैरासाइट इज़ ट्रांसमिटेड बाय, तो इसका जो क्या होता है, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ना, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो इसको याद रखना है, इसे ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है, तो मलेरिया उसमें भी आती है प्रोटोजोआ डिजीज़ जो होती है ना, डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, उसके अंदर भी आती है मलेरिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, कौन सा वायरल इन्फेक्शन है, पोलियो, प्लेग, टाइफॉइड, नन, ठीक है, तो जो ये होता है पोलियो होता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टॉक्सॉइड इज गिवन फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, टॉक्सॉइड किसके लिए देते हैं, इनमें से ऑप्शंस में से टिटैनस, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रेन फीवर, ठीक है, टॉक्सॉइड जो होता है ये टिटैनस का होता है, टॉक्सॉइड ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, टिटैनस जो होता है उसका उसके लिए इसका टॉक्सॉइड होता है, टिटैनस टॉक्सॉइड होता है, और इसको कैसे इंट्रा मस्कुलर देते हैं टिटैनस टॉक्सॉइड को, ठीक है, डिप्थीरिया का भी टॉक्सॉइड होता है। नेक्स्ट है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए जूनोटिक डिजीज़, कौन सा जो जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। ऑप्शन रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स, लेप्रोसी। अब इसका आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ये बुक में तो वैसे ना इसका ये एंथ्रेक्स दिया हुआ है, बट जो एंथ्रेक्स तो जूनोटिक डिजीज़ में आती है, ठीक है। तो जूनोटिक डिजीज़ होती है उनमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है हम एक बार देखते हैं। उसमें आती है एक तो रेबीज़ लिखी हुई है, एक प्लेग है, एक एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। बाकी एक ट्यूबरकुलोसिस होती है, वो भी जूनोटिक होती है, एक ब्रुसेलोसिस, ठीक है। ये पाँचों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस, ये सब क्या होते हैं, जीनोटिक डिजीज होती है। तो लेप्रोसी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेप्रोसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेप्रोसी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेप्रोसी सरफेस इन्फेक्शन में आती है, इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, लेप्रोसी का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है। और इसमें डेप्सोन देते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कोज ऑफ एड्स, का कोज क्या होता है। ऑप्शंस हैं, ये सब आपके सामने हैं ऑप्शंस, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पुअर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसके सारे के सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हाउ डज एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल इन्फेक्शन अकर। तो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल क्या होता है ये, ठीक है। ये जैसे जो ये क्या होता है, हुकवोम होता है एक, जो हमने राउंड वोम पढ़ा था ना, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, तो राउंड वोम होता है। तो ये जो होता है ये होता है हुकवोम, HAN। तो इसमें आते हैं हुकवोम में आता है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल, और एक आता है निकेटर अमेरिकेनस, ये दोनों क्या होते हैं, हुकवोम होते हैं। तो इनका इसने क्या पूछा है कि इन्फेक्शन जो कैसे होता है, तो पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन, इससे इसका क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है किसका, टाइफॉइड फीवर का। तो इसका क्या है, ये ऑप्शंस है आपके सामने, 1 to 2 days, 7 to 10 days, 3 to 5 days, 10 to 15 days। तो टाइफॉइड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका होता है 10 to 15 days होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो मैंने कल डिस्कस किया था फूड पॉइजनिंग किस किस से होती है, जो जैसे सालमोनेला की स्पीसीज है, सालमोनेला टाइफाई है, और सालमोनेला एंटेरिटिडीज होता है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है, और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है, ये सब क्या है, फूड पॉइजनिंग कोज कराते हैं। तो इसमें फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सारे के सारे होते हैं इसमें, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉपुलर IUCD, ठीक है। IUCD की फुल फॉर्म इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, तो पॉपुलर IUCD कौन सा है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कॉपर टी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक।